बढ़े हुए यूरिक एसिड को कैसे करें कम? जाने कैसे और क्या खाने से इसको कम किया जा सकता है? जय हिंद दोस्तों। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से गठिया जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसके बढ़ जाने के कारण हाथ पैरों में सूजन के साथ साथ दर्द भी होता है। पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द हो तो नजरअंदाज बिल्कुल न करें। महिलाओं में यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 2.4 से 6.0 mg/dl और पुरुषों में 3.4 से 7 mg/dl होना चाहिए। इसका बनना इतना खतरनाक नहीं। आमतौर पर हर इंसान में इसकी बनने की मात्रा अलग अलग होती है, जो हमारे यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई इस समस्या से परेशान है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। यूरिक एसिड की अधिकता की वजह से जोड़ों में दर्द, शरीर में सूजन, किडनी की बीमारी और मोटापे जैसी कई समस्याएं हो सकती है। यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से ब्लड प्रेशर, थायराइड या फिर डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। सेब का सिरका यूरिक एसिड को कम करने में बहुत मदद करता है। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल अचानक बढ़ जाता है तो ये खतरनाक होने के साथ साथ कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों के दर्द से लेकर ब्लड प्रेशर, गठिया और हार्ट की कई प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको अपनी डाइट पर भी खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। दवाओं के अलावा भी कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर अपने शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेब का सिरका इनमें से एक है। सेब का सिरका यूरिक एसिड कम करने में मदद करता है। सेब के सिरके में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिससे ये शरीर में यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने में मदद करता है। सेब का सिरका यूरिक एसिड को तो कम करता ही है, साथ ही ये हमारे लीवर को भी स्वस्थ बनाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। इसके सेवन से डायबिटीज, कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा ये वजन कम करने, हाई ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। सेब का सिरका यूरिक एसिड को कम करता है, साथ ही ये हमारे ब्लड में पीएच लेवल को भी बढ़ाता है। दोस्तों अब बात करते हैं सेब के सिरके का कब और कैसे करें सेवन। दोस्तों सेब के सिरके को हमेशा पानी में डाइल्यूट कर ही पीना चाहिए। एक गिलास पानी में एक चम्मच सेब का सिरका मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। रोज एक गिलास पानी में एक से दो चम्मच सेब का सिरका मिलाकर खाना खाने से आधा या एक घंटा पहले पी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाने पर आप किन फलों का सेवन कर सकते हैं। संतरा और नींबू गठिया के रोगियों या हाई यूरिक एसिड के मरीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट रोज एक सेब खाने की सलाह देते हैं। और दोस्तों आपने सुना ही होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। चेरीज के अलावा केला भी यूरिक एसिड को कम करने में बेहद मददगार है। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं कुछ आसान से उपाय जिनकी मदद से आप अपना यूरिक एसिड कम कर सकते हैं। इसी में से एक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यूरिक एसिड को कम करने की एक रामबाण दवा है। एक गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर दो सप्ताह तक इसका सेवन करें। इसकी मदद से आप अपना यूरिक एसिड कम कर सकते हैं। दही में प्रोटीन की अधिक मात्रा मौजूद होती है, जो यूरिक एसिड के मरीजों के लिए नुकसानदायक होती है। मछली व अन्य सी फूड के सेवन से बचें, क्योंकि इनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। यूरिक एसिड की परेशानी से बचने के लिए आप सोया मिल्क, जंक फूड, चटपटे खाद्य पदार्थ, ठंडा पेय और तली भुनी चीजें बिल्कुल ना खाएं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। और यदि आप में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है तो
तो उसे कम करने में इस वीडियो की सहायता से आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।